नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? निश्चित रूप से आज हम लोग एक ऐसे कानून के बारे में जानकारी लेंगे, एक ऐसे कानून के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए आवश्यक है, इस वजह से क्योंकि दिन ब दिन आप ऐसे कानून की जरूरत और इसकी महत्वता तब समझ सकते हैं जब कभी एडवर्टाइजमेंट आपको पॉल्स देखें, जब आप उसकी सच्चाई या गहराई पर जाएं, तो वो आपको एडवर्टाइजमेंट के बेस पे जो भी कॉमोडिटी या जो भी सामान आप लेने के लिए जा रहे हैं या जो भी सर्विसेज आपके लेने के लिए जा रहे हैं वो सर्विसेज वैसी ना मिले। निश्चित रूप से हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कई बार ऐसे होते हैं वो भ्रामक होते हैं, भ्रामक मतलब गलत होते हैं, दिखते कुछ हैं और दिखाए कुछ ज्यादा हैं। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा वीडियो है हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या सजा का प्रावधान है, क्या कानून है अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कोई कंपनी या कोई पर्सन करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों, तो इसके लिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी पड़ेगी, हमारे भारत के संविधान की बात करनी पड़ेगी जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सवाल आ जाता है, जहां पर बोलने की और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा भारत का संविधान हमें प्रदान करता है अनुच्छेद आर्टिकल 19 एक में, और इसी आर्टिकल के तहत इसी का इस्तेमाल करने के बजाय कई लोग अपना मिसयूज या उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस पे कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट दिखाती हैं वो प्रोडक्ट उनके वैसे नहीं होते हैं जैसा एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है, वैसे एडवर्टाइजमेंट के बाद जब आप वास्तव में उन प्रोडक्ट्स को, उन कॉमोडिटीज को जब परचेस करते हैं, जब खरीदते हैं, तो आपको समझ में आता है वो चीज वास्तव में वैसी नहीं है जैसी दिखाई गई थी। और निश्चित रूप से अपना सामान बेचने के लिए इस प्रकार का कंपनी हथकंडा अपनाती है जहां पर वो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जैसी चीजों को अंजाम देती हैं। तो मैंने आपको बताया ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है क्योंकि उनको और आपको और मुझे सभी को आजादी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19(1), और इसके हिसाब से हमें बोलने व अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और ये अधिकार हमें हमारे भारत के संविधान ने दिया है। लेकिन इसी का गलत इस्तेमाल करते हुए जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं, एडवर्टाइजिंग करने वाली कंपनीज होती हैं या कोई पर्सन होता है उसका गलत या भ्रामक इस्तेमाल करता है। अब आपके पास क्या रेमेडीज होती हैं और ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं इनके जो इफेक्ट हैं वो कंज्यूमर पे क्या होते हैं, क्योंकि बार 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 और लगातार कई बार जब इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक अवस्था पे प्रभाव डालता है। आपको लगता है कि अगर इतना ज्यादा प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट कंपनी या पर्सन कर रहे हैं अपने उत्पादों का, अपने प्रोडक्ट का, तो निश्चित रूप से वो प्रोडक्ट काफी अच्छा होगा। जैसे स्क्रीन को आप लगाइए और गोरे हो जाइए, वास्तव में ऐसा होता तो नहीं, कोई गोरा तो हुआ नहीं आज तक, लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों करोड़ों रुपए का बिजनेस चल रहा है। तो इसी प्रकार के जो भ्रामक एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए, आप देखते हैं 50% ऑफ, जब आप अंदर जाते हैं तो पता चलता है कुछ कपड़ों में था लेकिन जो मैक्सिमम 99% कपड़े थे उनके रेट वैसे ही हैं जैसे वो थे। तो निश्चित रूप से ये भी एक प्रकार का भ्रामक एडवर्टाइजमेंट है, गलत एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। अब जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो क्या कर सकता है? ये कई कारणों से होता है, जेलेस कंपटीशन की वजह से होता है, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेच करके मुनाफा कमाने की वजह से होता है, और ये कई प्रकार से आपको मिसरिप्रेजेंट करते हैं, मिसलीड करते हैं, गलत प्रोडक्ट देते हैं, गलत क्वालिटी देते हैं और डिफेक्टेड आर्टिकल्स आपको दे देते हैं, फॉल्स प्रॉमिस करते हैं। इसके साथ ही साथ कई बार क्वांटिटी के साथ में भी समझौता करते हैं कि 10 ग्राम लिखा तो पैकेट में था लेकिन जब आपने खोला तो आपको 5 या 6 या 7 ग्राम मिला। तो इस प्रकार की भी चीजें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में आ जाएगी, कानूनन अपराध है। इस कानून के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं किस किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो एडवर्टाइजमेंट का प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट। डिसेप्टिव का मतलब होता है कपटपूर्ण या कि भ्रामक, गलत प्रकार से वो जानकारी आपको देते हैं, आपको भ्रम फैलाते हैं और उसके बाद अपना प्रोडक्ट बेच के, अपनी सर्विसेज बेच करके वो मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये डिसेप्टिव या कपटी या भ्रामक एडवर्टाइजमेंट में आ जाएगा जो कि कानूनन अपराध है। इसके अलावा जो दूसरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं मिसलीडिंग प्राइजेस। मिसलीडिंग प्राइस को भी लेकर के जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ये भी वास्तव में काफी रूप से काफी जगह पर देखा जाता है, जहां पर आपने जो प्रोडक्ट लिया है, जो आपने सर्विसेज ली है, वो वास्तव में सर्विसेज वैसी नहीं होती है जैसी थी। जैसे कई बार आप एयरलाइंस में फ्लाई करने के लिए जाइए तो जिस भी एयरलाइन का आपने इस्तेमाल किया वो प्राइस कुछ दिखाते हैं, टिकट बुक करते करते जीएसटी आते आते आपका रेट 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। तो आपको सारी चीजें ऐसी नहीं मिलती वास्तव में जैसी दिखाई जाती है, तो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है। ये चार्जेस से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसा मैंने आपको एयरलाइन का एग्जांपल दिया कि आपने जब टिकट करनी थी तो आपको 4,500 रुपए बताया लेकिन जब आपके टिकट कंसल्ट पूरा कंप्लीट हो गया तो आपको 10,000 रुपए पे करने पड़ गए। तो ओवरऑल जो आपको कॉस्ट
कॉस्ट पे करना पड़ा, वो दोगुना कॉस्ट पड़ना करना पड़ गया। इसके साथ ही कई बार होता है एंड टू एंड सीजन सेल, जैसे मैंने आपको कपड़ों के मामले बताया, तो कुछ कपड़ों में छूट तो देते हैं जो खराब ये होते हैं या उस क्वालिटी के कपड़े नहीं होते, जो बिक नहीं रहे होते उस कपड़े में, लेकिन जो मैक्सिमम उनके क्लॉथ्स होते, जो मैक्सिमम कपड़े होते 99% 90%, उन कपड़ों में वो कोई भी छूट नहीं देते और आपको एंड ऑफ सीजन के नाम से लूट लेते हैं। इसके साथ ही कई बार डिस्काउंटेड प्राइस करके, स्कीम्स देकर के, आपको लाभ में ऑफर देकर के बुलाते हैं अपने शोरूम में, अपनी शॉप में, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता जब आप अंदर जाते हैं या सामान को खरीद लेते हैं। दोस्तों, ये हम लोगों ने फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात की। निश्चित रूप से हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि आखिर अगर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट होता है तो आप कहां पर किस प्रकार से शिकायत कर सकते हैं और क्या अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है या क्या रेमेडीज लीगली अवेलेबल है जहां पर आप कंपनसेशन की या मुआवजे की क्लेम कर सकते हैं जहां पर आपका किसी भी प्रकार से नुकसान हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं आपको कानून के बारे में भी जानकारी दूंगा कि किस कानून की किस धारा के अंतर्गत आपको आवेदन करना है और किस जगह पे करना है। आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी, निश्चित से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। साथ ही अगर आपके पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मुझे बात करना चाहते हैं तो हमारा बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप सभी ने जो कीमती और महत्वपूर्ण समय हमें दिया इसके लिए धन्यवाद, और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे, आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।